गाइज, आप लोगों ने पक्षियों को पंख फैलाकर आगे या सीधे उड़ते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने किसी पक्षी को पंख फैलाकर पीछे या उल्टे उड़ते देखा है? आप लोग कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसा कौन सा पक्षी आ गया? तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस पूरी ही दुनिया में सिर्फ एक ही पक्षी ऐसा है जो कि अपने पंख फैलाकर उल्टे उड़ सकता है, और वो पक्षी है हैमिंग बर्ड। हैमिंग बर्ड एकमात्र ऐसा पक्षी है जो कि अपने पंख फैलाकर उल्टे उड़ सकता है। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। आजकल माँ बाप की अक्सर ये शिकायत रहती है कि बच्चे अक्सर मोबाइलों में बिजी रहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा कैफे खुल गया है जहाँ पर अगर आप मोबाइल इस्तेमाल ना करें जब तक आप रेस्टोरेंट में हैं तो आपको रेस्टोरेंट के बिल पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। और स्पेशली वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, कम से कम कुछ देर के लिए तो मोबाइल से वो लोग दूर रहते हैं और इस तरह से फैमिली टाइम वो लोग स्पेंड करते हैं। गाइज, आपको रेस्टोरेंट का ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइज, क्या आपने इंडिया के पहले गार्बेज कैफे के बारे में सुना है? शायद नहीं सुना होगा, और एक कॉन्सेप्ट भी आपके लिए नया होगा, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सिटी में अंबिकापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इंडिया का पहला गार्बेज कैफे खोला है। ये गार्बेज कैफे गरीबों और कचरा बीनने वाले लोगों के लिए खोला गया है। जब वो 1 किलो कचरा देते हैं तो उन्हें पूरा खाना दिया जाता है, और जब वो 0.5 किलो कचरा देते हैं तो उन्हें नाश्ता दिया जाता है। और इस तरह से अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का पहला डस्टबिन फ्री सिटी बन गया है। गाइस, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखें। जब पहली बार उसने एक्टर बनने की ख्वाहिश जाहिर की तो लोगों ने उसे आईने में अपनी शक्ल देखने की सलाह तक दे डाली। 12 साल लग गए बॉलीवुड में एक मेन रोल के लिए, और उन 12 सालों में सर्वाइवल के लिए उसे वॉचमैन की जॉब तक करनी पड़ी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जिसकी एक्टिंग का लोहा आज बॉलीवुड मानता है। सर, हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। की कामयाबी के बाद उनको उनकी माँ की एक बात याद आती है जो उसे हमेशा मोटिवेट करती थी। उसकी माँ कहा करती थी कि बेटा, जगह तो कचरे की भी बदलती है, तो फिर भी एक इंसान है। अपने आप पे भरोसा रखिए, मेहनत करते जाइए, क्योंकि एक न एक दिन आपका वक्त जरूर बदलेगा। एक दर्जन में कितने केले आते हैं? 12। यू राइट। बट अगर उसी ठेले वाले को आपने बोला कि भैया एक दर्जन की बजाय एक मोल केले दे दो, सो उसको एक मोल केले काउंट करने में 20 साल लग जाएंगे, इतना बड़ा नंबर है ये। अब क्वेश्चन ये है कि एक मोल में कितने केले काउंट करने पड़ेंगे? आई विल टेल यू। एक मोल में 6.023 × 10⁻², इतने केले उसको काउंट करने पड़ेंगे, कितना ह्यूज नंबर है ये, आई विल टेल यू। अगर आपने इस बोल की साइज के 6.023 × 10⁻², बोल्स इकट्ठे किए तो आप उससे एक पूरी अर्थ बना सकते हो, पूरी अर्थ। गॉट इट? यस। माइकल जॉर्डन से किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि यू आर अमेजिंग, यू आर ऑल टाइम बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर इन द वर्ल्ड, क्या कहना चाहते हैं अपनी सक्सेस के बारे में? तो उसने जवाब दिया कि आप लोग सिर्फ मेरी सक्सेस को देखते हो, उसके पीछे के फेलियर को नहीं देखते। मैं यहां तक पहुंचने के लिए 9000 टाइम्स फेल हुआ हूं, 9000 टाइम्स मैंने अपने शॉट्स मिस किए। गाइस, लाइफ में हर कोई फेल होता है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है, पर प्रॉब्लम इस चीज में है जब आप फेल होने के बाद बैठ जाते हो, क्विट कर देते हो, वहां प्रॉब्लम है। क्विट सिर्फ लूजर करते हैं, विनर सिर्फ एक ही बात जानता है कि मैं गिरूंगा तो वापस उठूंगा, मैं दूसरी बार गिरूंगा तो फिर से उठूंगा, मैं तीसरी बार गिरूंगा तो फिर से उठूंगा, और तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक मुझे मेरा लक्ष्य मिल नहीं जाता। दैट इज कॉल्ड विनर एंड यू हैव टू बी लाइक दैट। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, लेकिन एक दिन जरूर होती है अगर आप कंसिस्टेंसी और फोकस रखते हो तो। चलो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। बिल गेट्स अगर अपना पूरा काम छोड़ के हर दिन 7 करोड़ रुपया खर्च करें तब भी उनकी वर्थ 220 साल में खत्म होगी, इतना वर्थ उन्होंने अचीव किया है अपनी लाइफ में। पर क्या आप जानते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी कंसिस्टेंसी अपनी लाइफ में रखी और कितना फोकस उन्होंने दिखाया है? आई विल टेल यू। सुनने में तो ये भी आता है कि अपने स्ट्रगल के दिनों में वो रात में ही जूते पहन के सो जाया करते थे ताकि सुबह उनका वक्त खराब ना हो। अब आप लोग कहेंगे कि जूते पहनने में तो 5 ही मिनट लगते हैं, इस 5 मिनट की कीमत उन्होंने समझी तभी तो वो इस मुकाम तक पहुंचे। इसलिए गाइस, जो भी चीज आप चाहते हो ना उस पे कंसिस्टेंसी और फोकस रखना बहुत जरूरी है, और अगर आप लोगों ने भी ये किया तो आप लोग उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे जहां तक शायद बहुत ही कम लोग पहुंचे। सो फोकस इन यू, स्टे मोटिवेटेड।